हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग न्यू इरा पाठशाला एजुकेशन। और आज से मेरे एक ये जीएस की जो सीरीज़, पहले हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी तो चली रही थी, इसके बाद मैंने सोचा अब ये जो है अपना पॉलिटी पे भी शुरू किया जाए। तो आज जो है मैंने पहला वीडियो डाल रही हूँ, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए पहला क्या है, विच आर्टिकल इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, तो आप सबसे पहला है आर्टिकल 26, 27, 29 और 30। ठीक है, तो गाइज याद रखना है, तो 26 है, ठीक है, ये टैक्स से रिलेटेड है, ये माइनॉरिटी में ही सॉरी रिलीजियस से रिलेटेड, आपको पता होगा कि ये जो है रिलीजियस से रिलेटेड है। इसके बाद ये जो याद रख लेना, आर्टिकल 29 है, ठीक है, ये जो है आपके पास क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी है, जैसे कि उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या आएगा माना अपना, दैट इज 29, आर्टिकल 29। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखिए, द प्लान टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री वॉज लेड डाउन इन द, कि मतलब क्या है कि जब ब्रिटिशर्स थे तो उसमें एक प्लान क्रिएट किया गया था, और उसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स के पास पावर है वो किसको कर दी जाए हैंड ओवर, इंडियंस को हैंड ओवर कर दी जाए, तो वो किस प्लान के अंदर आया था, तो याद रख लेना ये था आपका माउंट बेटन प्लान। क्लियर हुआ, कौन सा था प्लान, वो माउंट बेटन प्लान। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाय कैमरल अंडर। अच्छा, देखिए बाय कैमरल का मतलब क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुना है आपने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसको हम कहते हैं बाय कैमरल। ठीक है, और वैसे भी सेंट्रल लेवल पर भी देखे तो हमारे पास क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, देखा है ना आपने। अच्छा, इसके बारे में आपको पता होगा, तो ये फर्स्ट टाइम ये कब लाया गया था, मतलब तो ये था आपके पास, दैट इज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। आई होप जो है, अगर किसी को हिंदी में ये कहते हैं ना हम क्या बोलते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा जो बोलते हैं, तो वही है ये आपके पास। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, दैट इज विच एक्ट डिवाइड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड जो है प्रोविंसेस। ठीक है, तो वो बोलता है कि ऐसी कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है, कौन सा एक्ट है जो कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसके बीच में डिवाइड करता है, सेंटर के बीच में और प्रोविंसेस के बीच में। ठीक है, तो वो कौन सा है आपके पास, दैट इज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आई होप ये काफ़ियों को पता भी होगा, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वो कौन थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, कहते हैं विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए गाइस, कोई भी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड तो आपके आराम से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है नॉर्मल। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अपना इसमें क्या है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडियन डोमिनेशन स्टेटस वॉज अ प्रपोज्ड इन, कि इंडियन को इंडियन डोमिनेस स्टेटस जो देना है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कब किस प्लान में मतलब बताया गया था, तो ये बताना है आपको, और ये था हमारे पास दैट इज क्रिप मिशन के अंदर आया था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन वर हैविंग द पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो बोलता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें क्या है काउंसिल्स के पास पावर होती है कि वो बजट पर क्या कर सके, डिस्कशन कर सके और क्वेश्चन को एड्रेस कर सके, तो ऐसा है आपके पास दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1892। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल के थ्रू आप कह सकते हो जो
काउंसिल है वो क्या कर सकती है, उसके पास पावर होती है कि वो क्या करे, बजट पे डिस्कस कर सके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है एड्रेस कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, तो ये था आपके पास, दैट इज 26 नवंबर 1949। डेट याद रखना है, एक तो ईजी क्वेश्चन है, दूसरी बात है इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को आप जो है एक दो बार इन वीडियोस को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा और कंटिन्यूटी मेंटेन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन आपके पास है दैट इज 10th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। तो 10th क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच एक्ट इज एसोसिएटेड विद द काउंसिल कैन इंटरप्ट सॉरी कोर्ट कैन इंटरप्ट द रूल एंड द रेगुलेशन, कहते हैं कि किस आर्टिकल के थ्रू जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, इंटरप्ट करना लाइक इंटरफेयर करना, ठीक है, कर सकती है रूल्स और रेगुलेशन में, तो वो आपके पास किसके थ्रू कर सकते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसके थ्रू क्या कर सकती है, कोर्ट जो है इंटरप्ट कर सकती है रूल्स और रेगुलेशन में। तो आई होप जितने आज हमने क्वेश्चंस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो आगे कंटिन्यू रखूँ इस सीरीज़ को, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। तो अब इसके बाद हर रोज़ इस तरह की वीडियो आपके पास अवेलेबल प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक यू टू ऑल।